हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के वायरिंग कनेक्शन। जिसके लिए हमें चाहिए एक सोडियम वेपर लैंप, एक इग्निटर और एक चोक। इसमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा, जितने वाट का लैंप होगा उतने वाट की इसमें चोक लगेगी। तो इसमें लैंप लगाता हूँ। इसमें इग्निटर के तीन टर्मिनल हैं, जो कि ये बेस है, ये न्यूट्रल है और ये है कॉमन। जो कॉमन जो है वो चौक के कॉमन के साथ कनेक्ट होगा। इसमें सेंटर वाला जो है वो चौक में वो है कॉमन, ये आएगी इसमें सप्लाई और ये जाएगी लैंप को। तो कॉमन वाला टर्मिनल जो है वो चौक के कॉमन के साथ कनेक्ट करता हूँ। कॉमन वाला हो गया, ये कॉमन के साथ कनेक्ट। और ये जो है रेड वायर वो मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मेन की फिर ये जाएगा मेन सप्लाई चौक में। लगा दिए हमने चौक में मेन। और इसमें से यहां से एक टर्मिनल जो बच गया वो जाएगा लैंप के साथ, जिसे लैंप को सप्लाई जाएगी। ये लैंप का एक टर्मिनल जुड़ गया और ये बच गया एक टर्मिनल जो कि न्यूट्रल होगा, और ये इग्निटर का एक न्यूट्रल टर्मिनल। इन दोनों को इकट्ठे करके जो ये मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है पॉइंट है इसमें हम कनेक्ट करेंगे। अब इसके सभी कनेक्शन जो वो जुड़ गए हैं, मेन सप्लाई भी हो, लैंप के टर्मिनल भी और चौक भी। अब हम इसको मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। ये लैंप धीरे धीरे स्टार्ट होगा, इसकी लाइट जो है वो स्टार्टिंग में कम आएगी, ये धीरे धीरे गर्म होगी, ये फुल लाइट छोड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे ये लाइट बढ़ा रहा है अपनी। ये सोडियम वेपर लैंप जो कि येलो लाइट होता है, ये देखिए। धन्यवाद।